बिहार चुनाव करीब आते ही सहयोगी दलों में सीटों के बंटवारे को लेकर खटपट शुरू हो गई है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। मेरे साथ जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी हैं बात करने के लिए। त्यागी साहब, जो खबरें आ रही हैं, जो दो नेता हैं बीजेपी के, सांसद हैं रामकृपाल यादव और छेदी पासवान, दोनों कह रहे हैं कि बीजेपी का कद बहुत बढ़ गया है पिछले कुछ सालों में, और अब बिहार के जो विधानसभा चुनाव है उसमें जेडीयू और बीजेपी को बराबर सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। एनडीए में जेडीयू और बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये प्रश्न हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच में तय होना है। किसी भी दल के कोई भी नेता के द्वारा दिए गए वक्ताओं पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, चूँकि वार्ता के निरंतर द्वार बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी की कई दौर में बातचीत होती है, नड्डा जी की और मुख्यमंत्री की अभी दो ही दिन पहले बातचीत हुई है, इससे पहले अमित शाह जी की नीतीश कुमार जी की बातचीत हुई है। लिहाजा दोनों पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसके बीच में बातचीत विचाराधीन है। हम में से किसी को भी इस पर कभी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। पर इसमें विवाद क्यों है, क्योंकि लोकसभा चुनाव अगर देखिए आपने बस बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ा, तो विधानसभा में भी इस मॉडल की अगर मांग कर रही है बीजेपी, तो क्या गलत है? सबको अपनी अपनी बात अपनी पार्टी के प्लेटफार्म पर रखने का अधिकार है। ये चर्चा अस्तित्व में इसलिए आई है कि कुछ समाचार पत्रों में इस तरह की न्यूज़ आई हैं, लिहाजा उस पर मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं है। एक विश्वास में जरूर आपको दिलाना चाहता हूँ, जेडीयू और बीजेपी में ना कोई विवाद था ना कोई विवाद रहेगा। दोनों पार्टी का संवेदनशील नेतृत्व जरूर और जल्दी ही इस समस्या से निमटने में कामयाब होगा। कुछ जो बीजेपी के नेता हैं, कुछ सांसद हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि उनके काम नहीं हो रहे हैं, जो राज्य सरकार है उनके जो शिकायतें हैं, उनकी मांगे हैं, उनके प्रति ठीक से कार्रवाई नहीं कर पा रही हैं। नहीं, वो सब काल्पनिक प्रश्न है। वहाँ पर एनडीए में जिस तरह का सामंजस्य है पिछले 15 सालों से, ऐसे कम गठबंधन होते हैं जिनकी इतनी लंबी उम्र होती है। और अगर मैं कहूँ कि जेडीयू अकाली दल दो ही पारंपरिक दल बचे हैं एनडीए के अंदर जिनके इतने साल पुराने रिश्ते हैं, कोई अगर कमी खामी होती है नेतृत्व बैठ करके तय करता है। और बिहार की हमारी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जैसा सामंजस्य है ऐसा बिरले ही उदाहरण के तौर पे मिलते हैं। क्या चुनाव समय पे होंगे, इसको लेकर क्या आप पूरी तरह आश्वस्त है? क्योंकि लगातार विरोधी खबरें आती रहती हैं कि पेंडेमिक इतना ज़बरदस्त है, बिहार में स्थिति अच्छी नहीं है, चुनाव टाले जाना चाहिए। कुछ छोटे दलों ने इस तरह की मांग की है, क्या आपको लगता है कि इस तरह की मांगों पर इलेक्शन कमीशन को ध्यान देना चाहिए? देखिए, संक्रमण का जो दौर है वो पूरे विश्व में है, और इसी संक्रमण के दौरान पड़ोसी राज्य श्रीलंका में चुनाव हुए हैं, साउथ कोरिया में अभी संपन्न हुए हैं, बेलारूस में अभी तक विवाद चल रहा चुनाव होने के बाद भी, इसराइल में चुनाव हुए हैं और सिंगापुर में चुनाव हुए हैं, और अमेरिका के राष्ट्रपति का जो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है वो 3 नवंबर को होना है। उससे पहले 6 राज्यों में वहाँ पर भी चुनाव हो चुके हैं। दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं, एपिडेमिक है, बाढ़ है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त अपनी मोहर लगा चुके हैं कि बिहार में चुनाव समय पर होगा। सुप्रीम कोर्ट में पड़ी लंबित एक याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट का भी ये फैसला आ चुका है कि बिहार में चुनाव टालने का कोई प्रश्न नहीं है। जो चुनाव से भयभीत हैं वही चुनाव टालने की बात कर रहे हैं और वही अफवाह फैला रहे हैं। सीधा संदेश जेडीयू के महासचिव का कि जो चुनाव से भयभीत हैं वही अफवाह फैला रहे हैं कि बिहार में चुनाव समय पर नहीं होंगे। कैमरा पर्सन वकार के साथ दिल्ली से आनंद पटेल।